कहानी की शुरुआत में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है लुशान। लुशान एक मिस्टीरियस बच्चा होता है क्योंकि उसके सर पर एक अजीब तरह का निशान बना होता है, यानी इस निशान का मतलब है कि उसमें एक तरह की स्ट्रेंथ है, पावर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके फादर उससे प्यार नहीं करते थे। हालांकि वो काफी रिच भी थे, सब कुछ ठीक भी था, लेकिन फिर भी उनका अपनी फैमिली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसके फादर के मुकाबले में उसकी मदर लुशान को काफी प्यार करती थी। अब देखते ही देखते लुशान बड़ा होता जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब वो तकरीबन 7 से 8 साल का हो गया है और अभी भी उसके फादर का वही हाल था। वो तो उन्हें जिसे छोड़कर ही चले गए थे हमेशा के लिए, और इसी वजह से उनके रहने सहने की, खाने पीने की काफी प्रॉब्लम्स होती थी। एक दिन लुशान की मदर खाने का सामान चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की अथॉरिटी उन्हें काफी सजाएं देती है। उधर हम बाजार में लुशान को देखते हैं जो कि चॉकलेट खा रहा था और एक गेम शो देख रहा था। तब लोगों के बीच में एक लड़का आकर उसके चॉकलेट चुरा लेता है, और जब लुशान ये देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है अपनी चॉकलेट वापस लेने के लिए। लेकिन वो लड़का और उसके दोस्त लुशान का काफी मजाक बनाते हैं और उसे काफी परेशान भी करते हैं। साथ साथ वो उसकी सर से कैप उतार कर उसे निशान पर मारते हैं, जिससे लुशान को इतनी दर्द होती है कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर देखते ही देखते लुशान बड़ी पावर से उठता है और उन सभी लड़कों को वो एक एक करके मारने लगता है। तब कुछ लोग वहाँ पर आकर लुशान को ऐसा करने से रोकते हैं। अब इसी बाजार में किंग का एक कमांडर भी आया हुआ था और वो भी लुशान को लड़ते हुए देखता है, और वो लुशान की सुपर स्ट्रेंथ देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ ले आता है। और तभी लुशान की मदर को पैलेस से बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर की हालत काफी खराब है क्योंकि वो इंजर्ड होती है। यहाँ पर वो कमांडर भी लुशान की मदर से मिलता है। वो लुशान की मदर से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके बेटे लुशान को अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि बड़े होकर ये काफी बड़ा वॉरियर बने, क्योंकि इसके पास अलग ही तरह की पावर्स हैं, स्ट्रेंथ है। तब लुशान की मदर सोचती है कि ये आदमी शायद उसे कुंग-फू सिखाएगा, उसे ट्रेनिंग देगा और एक अच्छा वॉरियर बनाएगा, साथ साथ वो उसके बेटे लुशान को प्रोटेक्ट भी करेगा। इसीलिए वो उस आदमी को हाँ बोल देती है लुशान को उसके साथ रखने के लिए। लेकिन फिर थोड़े ही टाइम के बाद लुशान की मदर मर जाती है। अब ये देखकर लुशान काफी दुखी हो जाता है और वो काफी टूट जाता है, और अब की बात वो उसी कमांडर के साथ रहने लगता है। कुछ सालों के बाद हम लुशान को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और अब वो किंग की आर्मी में शामिल हो गया है, और वहाँ पर होने वाली एक वॉर में वो पार्टिसिपेट भी करता है। यहाँ पर वो बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह ही लड़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि किंग की आर्मी हार रही थी। तभी हम देखते हैं कि कमांडर का एक आदमी आता है और वो लुशान को ही मारकर उसे नीचे गिरा देता है, और उसके सर के निशान पर वो जोरों से बार बार मारता है, जिसकी वजह से वो निशान बड़ा होने लगता है और उसका रंग भी ब्लैक होने लगता है। लेकिन फिर देखते ही देखते लुशान उठता है, और अब लुशान की आंखें पूरी तरह से चमकने लगती हैं, और उसके अंदर एक अलग ही तरह की पावर डेवलप हो गई थी। वो दुश्मनों की आर्मी के लोगों को एक एक करके मारने लगता है और उन पर भारी पड़ रहा था, और देखते ही देखते वॉर के उस मैदान में वो सभी को हरा देता है, जिसकी वजह से किंग वो वॉर जीत जाते हैं। लेकिन लुशान ठीक नहीं था, उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उस निशान को चेक करता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम बार बार लड़ाई क्यों करते हो। तब लुशान कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कमांडर ने ही कहा है, उसने मुझे कहा है कि तुम जितना ज्यादा लड़ोगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिस पर डॉक्टर कहता है लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी लोग आकर तुम्हारे निशान को हिट करते हैं, तुम्हें मारते हैं, तो तुम्हारा निशान काला होने लगता है, और जिस दिन ये निशान पूरी तरह से काला हो जाएगा उस दिन तुम मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हें किसी को भी उस निशान को हाथ लगाने नहीं देना है। और रही बात कमांडर की, वो एक लालची इंसान है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें तो करनी चाहिए अपनी परवाह, अपनी जान की परवाह। जो कुंग-फू तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सारी एनर्जी छीन रहा है, जिससे बहुत जल्द तुम इतने कमजोर हो जाओगे कि मारे जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें शैन शाओलिन कुंग-फू सीखना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी की जो पावर है वो कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। और ये शैन शाओलिन कुंग-फू एक तरह का मार्शल आर्ट ही है, लेकिन लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इस कुंग-फू का इस्तेमाल करते हैं, न कि दूसरों की जान लेने के लिए। लेकिन हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये शैन शाओलिन कुंग-फू बाहर के लोगों को सिखाया नहीं जाता। अब ये सारी बातें जानने के बाद लुशान डॉक्टर से पूछता है कि प्लीज जल्दी बताइए कि मैं ये शैन शाओलिन कुंग-फू कहाँ से सीख सकता हूँ। तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें एक गाँव जाना पड़ेगा और वहाँ से ही तुम ये कुंग-फू सीख सकते हो। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है, और यहाँ पर कमांडर और डॉक्टर के बीच भी बहस होने लगती है, और देखते ही देखते उनके
फाइट होने लगती है और यहाँ पर वो डॉक्टर काफी जबरदस्त तरीके से लड़ता है और वो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शैन शाओलिन कुंग फू का इस्तेमाल करता है। अब लुशान भी उसकी ये स्किल्स देख रहा था और वो काफी हैरान होता है और उसे भी वो कुंग फू सीखने का शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात दुश्मन इन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ हर तरफ आग लग जाती है। अब लुशान को वहाँ से निकलना था लेकिन जाने से पहले वो डॉक्टर से मिलता है और उसे पूछता है कि मुझे ये तो बता दे कि वो गांव आखिर है कहाँ पर, यानी जहाँ से मैं शैन शाओलिन कुंग फू सीख सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे एड्रेस बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर से ही ये कुंग फू सीखना है। और अब लुशान अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने सफर पर निकल जाता है। अब काफी दिनों तक वो गांव से गांव में भटकता रहता है, यानी एक गांव से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में। तब उसे पता चलता है कि एक बड़ी सी पहाड़ी के उस पार वो गांव है जहां पर उसने जाना है, यानी जो उसकी मंजिल है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो वहां पर पहुंच भी जाता है। ये गांव काफी छोटा था और काफी ऊंची ऊंची पहाड़ों के बीच में था, साथ साथ की पूरी दुनिया से अलग था। और इस गांव में टोटल 40 से 50 घर ही थे, लेकिन ये लोग अपने कल्चर, अपनी रिस्पेक्ट, रहन सहन कॉन्सेप्ट को मानते थे, उन्हें समझते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। उन्हें तो बस वेस्टर्न कल्चर से दूर रहना था। अब गांव के अंदर आने के बाद लुशान ग्रैंड मास्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन सारे गांव वाले उससे एक ही सवाल करते हैं कि क्या तुम शैन शाओलिन कुंग फू सीखने आए हो, जिस पर वो फौरन हाँ बोलता है। तब गाँव का हर एक इंसान उससे यही बात करता है कि हमारा ये आर्ट, हमारा ये कुंग फू बाहर के लोगों को नहीं सिखाया जाता और हमारा ये आर्ट बस हमारे गांव में ही मौजूद रहेगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए वो लुशान को वापस जाने के लिए कहते हैं। तब लुशान काफी अपसेट और डिसअपॉइंटेड होकर वहीं पर ही बैठा रहता है। तभी काफी बड़ी गाड़ी में बैठकर एक लड़की यूनी और एक लड़का जिंग आते हैं, लेकिन जिंग की गाड़ी लुशान को हिट कर देती है जिसकी वजह से लुशान कुछ दूर गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तब वो लड़की यूनी लुशान को होश में लाने के लिए उसके पास आकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगा तो नहीं। लेकिन इतनी प्यारी यूनी को देखकर लुशान फौरन उठ जाता है, उसे वो काफी अच्छी लगती है। असल में यूनी यहाँ के ग्रैंड मास्टर की बेटी होती है। और यहीं पर हम यूनी के साथ आए उसके फ्रेंड जिंग को देखते हैं, जो कि एक काफी बड़ा ऑफिसर था और जिंग इसी गांव में ही रहकर बड़ा हुआ था, लेकिन वो इस गांव का नहीं था, यानी वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता था और आगे स्टडी करने के लिए वो इंग्लैंड गया था और वहीं से ही उसने ट्रेन और अलग अलग कंपनीज की टेक्नोलॉजी सीखी थी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इस गांव में एक ट्रेन लाना चाहता था। उसी के साथ शाम में यूनी सारे गांव वालों के साथ उसकी एक मीटिंग बुलाती है और यहां पर जिंग सबके सामने एक रेलवे का प्रपोजल रखता है। अब क्योंकि इनका गांव काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में था, इसीलिए लोगों को यहां पर आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए वो उन पहाड़ों को खोदकर यहां पर वो ट्रेन लाना चाहता था क्योंकि ट्रेन के आने से काफी फायदा होने वाला था और उसके साथ ही साथ यहां पर बिजली भी आने वाली थी। और इन्हीं सब का डेमो वो उस टाइम दे रहा होता है, लेकिन उसी टाइम अनलकीली उसकी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से हर जगह आग लगने लगती है। तब ये देखकर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और इसीलिए वो उस ट्रेन के लिए जिंग को भी मना कर देते हैं। ये देखकर जिंग को काफी बुरा लगता है, वो काफी नाराज होता है। फिर नेक्स्ट डे यूनी जब अपने घर में होती है तब उसके पास लुशान आता है और वो उससे भी ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछता है। तब यूनी उसे बताती है कि यहां से काफी दूर एक जंगल है, वहां पर एक मोनेस्ट्री है और वहीं पर ही तुम्हें ग्रैंड मास्टर मिल सकते हैं। अब देखने में तो वो जंगल काफी दूर लग रहा था, लेकिन लुशान कुछ ही टाइम में वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद वो देखता है कि उस मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वो वापस यूनी के पास आकर इस बारे में पूछने लगता है। अब जब गुस्से में यूनी वहां से जाने लगती है तो लुशान उसे पकड़ता है और यहां पर यूनी अपना एंशिएंट कुंग फू करते हुए उसे मारती है और यहां पर दोनों के बीच काफी जबरदस्त किस्म की फाइट होने लगती है। लेकिन इस लड़ाई में यूनी उस पर भारी पड़ रही थी जिसकी वजह से लुशान की हालत खराब होने लगती है। इस लड़ाई में एक टाइम ऐसा आता है जहां पर यूनी उसे सिर्फ 4 उंगलियों से ही पकड़ लेती है, जहां पर लुशान पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगता है, जहां पर यूनी उसे सीधा घर से नीचे फेंकती है और इसी वजह से लुशान काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी गांव का एक वर्कर इनके वहां पर काम करने वाला लुशान को अपने घर लाता है। तब यहां पर लुशान उससे भी पूछता है कि क्या आप मुझे कुंग फू सिखा सकते हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं बस छोटा मोटा काम करने वाला हूँ, मैं तो खुद इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ पर वो आदमी यानी कि वो वर्कर लुशान को काफी समझाता है और उसे वापस जाने के लिए भी कहता है। फिर उसी रात हम यूनी और जिंग को एक साथ देखते हैं। अब जिंग अपनी नाकामयाबी की वजह से काफी अपसेट था गांव वालों पर और साथ साथ यूनी की फैमिली भी काफी बड़ी और काफी रिच फैमिली थी और इसी गुस्से में आकर जिंग यूनी से अपना रिलेशनशिप तोड़ लेता है क्योंकि दोनों की फैमिलीज का कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि जिंग की फैमिली बाहर से आई थी और गांव वालों ने उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना था। इसी वजह से जिंग गुस्से
में वहाँ से चला जाता है। वो इतना गुस्सा होता है कि अगले दिन ही गवर्नमेंट ऑफिस जाता है और वहाँ जाने के बाद वो गांव में ट्रेन लाने का अप्रूवल ले लेता है गांव वालों की परमिशन के बगैर ही। और इस प्रोजेक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी हेल्प करने वाली थी। अब यहाँ गाँव में अगले काफी दिनों तक लुशान गाँव वालों से पिटता रहता है और ऐसे करते करते वो उनके सारे मूव्स कॉपी भी करता है और फिर वैसे ही वो एक जगह पर जाकर जंगल में प्रैक्टिस करता है। लेकिन तभी वापिस ही उसके पास वो वर्कर आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तब लुशान उसे बताता है कि मैंने इसी तरह नॉर्मल कुंग-फू भी सीखा था। तब ये सुनकर वो वर्कर उसे कहता है कि ठीक है लेकिन मेरी एक बात सुनो कि अगली बार जब भी तुम किसी से फाइट करोगे तो तब तुम उनके सारे ट्रिक्स उनके सारे मूव्स याद रखना जो वो तुम्हारे खिलाफ यूज करेंगे और फिर वही ट्रिक्स वही मूव्स तुम उन पर इस्तेमाल करना अगली बार। नेक्स्ट डे लुशान गाँव जाता है जहाँ पर एक लड़का उसे एक चैलेंज देता है। वो लुशान से कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ पर रखा हुआ टोफू गिरा दिया तो तुम जीत जाओगे। और अब देखते ही देखते उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर पहले पहले तो लुशान काफी मार खाता है लेकिन फिर वो उस लड़के के सारे मूव्स सारे ट्रिक्स को कॉपी करने लगता है और उसी लड़के को उसी तरह मारने लगता है बदले में। इस फाइट के दौरान लुशान को कोई धक्का देता है जिसकी वजह से लुशान उसी लड़के पर जा गिरता है और उसके हाथ पर रखा हुआ टोफू नीचे गिर जाता है। अब इस तरह से लुशान जीत गया था लेकिन तभी लुशान को याद आता है कि उसे किसी ने धक्का दिया था तो क्या पता वो ग्रैंड मास्टर ही हो। इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर जाता है लेकिन उसे तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन यूनी समझ जाती है कि उसे धक्का किसने मारा होगा यानी उसे कुंग-फू कौन सिखा रहा है। इसीलिए यूनी फौरन उस आदमी के पास पहुँचती है और उसे काफी डांटती है क्योंकि उसने इस गाँव के रूल्स को तोड़ा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे धक्का मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही वर्कर था। यूनी उसे कहती है कि आपको पता है अच्छी तरह कि ये कुंग-फू बाहर के किसी भी आदमी को सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन वो आदमी इनकार करते हुए कहता है लेकिन मैंने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया बल्कि उसने आसपास के लोगों से ही ये सब कुछ सीखा है। ऐसा कहने के बाद वो वर्कर वहाँ से चला जाता है। अब उसी दिन इनके गाँव में एक काफी बड़ी मशीन आती है जिसकी वजह से वहाँ पर गाँव में एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आने लगता है। इसीलिए गाँव का काफी नुकसान हो जाता है। असल में ये मशीन कोई और नहीं बल्कि जिंग लाया था और यहाँ पर उसके साथ उसकी कोलीग भी होती है। वो लड़की जिंग के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसी ने ही इस प्रोजेक्ट में उसका साथ दिया था। अब यहाँ पर जिंग गांव वालों के सामने आता है और वो सभी को 7 दिन के अंदर अंदर इस गांव को खाली करने के लिए वार्निंग देता है वरना ये मशीन उनके इस पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देगी। जब यूनी जिंग को देखती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करने लगती है और ये सब कुछ करने से उसे मना करती है। लेकिन जिंग अपनी कोलीग को इशारा करके उस मशीन को आगे करवाता है जिससे गाँव के पूरे गेट को वो तोड़ देती है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इनके गांव में एक मीटिंग होती है लेकिन यहां पर उनके ग्रैंड मास्टर जिन्हें लुशान ढूंढ रहा था वो यहां पर नहीं थे। तब ये देखकर यूनी को काफी गुस्सा आता है। फिर हम लुशान को देखते हैं जो कि उसी वर्कर के पास होता है। यहां पर वो वर्कर लुशान को इस गांव की हेल्प करने के लिए कहता है ताकि गाँव वाले लुशान की इज्जत करें और उसे एक्सेप्ट भी कर लें। साथ साथ जिंग की वजह से लुशान के पास ये काफी अच्छा चांस भी था। फिर वो आदमी लुशान को इस बड़ी सी मशीन के अंदर भेजता है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करती है। जहां अब लुशान मशीन में जाकर वहां से काफी सारी डिटेल्स लाता है। उसी रात वो कोलीग जिंग को बताती है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लेकिन जिंग उसे इसके लिए मना करते हुए कहता है कि जब तक मैं गांव वालों के सामने खुद को प्रूव न कर लूं मैं किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहता। लेकिन जिंग का ये इनकार सुनकर अब उसकी कोलीग वापिस से इंग्लैंड जाना चाहती थी। फिर यहां जिंग अपनी कोलीग से कहता है कि बेशक मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर रहा लेकिन तुम मुझे हमेशा से पसंद हो। अब ये सारी बातें यूनी भी सुन रही थी और जिंग का ये रूप देखकर उसे काफी बुरा लगता है उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी यूनी को वहाँ पर एक बुक दिखाई देती है जो कि असल में इस बड़ी मशीन का मैनुअल थी। इसीलिए यूनी चुपके से जाकर उस बुक को उठा लेती है। नेक्स्ट डे लुशान उस वर्कर की मदद से उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। उनके साथ साथ वहाँ पर यूनी भी होती है। फिर वो ठीक रात को उस मशीन को ब्लास्ट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूनी लुशान को बताती है कि हमें मेन कंट्रोल रूम तक जाना है जो कि बुक में दिया गया है। तो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्हें वो मेन कंट्रोल रूम मिल ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है लेकिन यूनी उसकी बात नहीं मानती और वो मेन मशीन में एक रॉड घुसा देती है जिसकी वजह से पूरी मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और अब देखते ही देखते हर जगह पर ब्लास्ट होने लगते हैं। इसी सब के बीच जिंग की कोली काफी इंजर्ड हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से यूनी भी बेहोश हो जाती है। इसीलिए लुशान उसे उठा
जाकर सारे गांव वालों के सामने आता है और तभी वहां पर आ जाते हैं ग्रैंड मास्टर भी। और अब यहां पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है, असल में ग्रैंड मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही वर्कर थे जो लुशान की मदद कर रहे थे। यहां पर वो वर्कर इन्हें ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गांव वाला इस लड़ाई में शामिल हो, इसीलिए मैं लुशान की मदद से इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि इस इंसिडेंट में एक फॉरेन यानी कि जिंकी को लीग मारी गई और बहुत जल्द ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर हमला करने वाली है, इसीलिए गांव के सारे लोग वॉर के लिए रेडी होने लगते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद उनकी आर्मी इन पर अटैक कर देती है, लेकिन गांव के सारे लोग रेडी थे और ग्रैंड मास्टर भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं। यहां पर उन लोगों के बीच काफी बड़ी वॉर होती है, जिसके बाद जिंग अपने साथियों के साथ यहां से भाग जाता है। लुशान भी इस लड़ाई में लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था, साथ साथ उसके सर का जो निशान था वो भी काला हो गया था, जिसकी वजह से वो मरने वाला था बस। फिर ये सभी लोग गांव के हेड के पास जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि लुशान ने उनके गांव का कुंग फू सीखा था इसीलिए उसे सजा देने का ऐलान किया जाता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर और उनकी बेटी यूनी इस फैसले से मना करते हैं। लेकिन लुशान को सजा तो लाजमी होनी थी, लेकिन तभी यूनी को याद आता है कि लुशान कितना अच्छा इंसान है, उसने छोटी सी चीज कुंग फू सीखने के लिए गांव को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया और इस पूरे गांव के लिए उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और उसकी यही बात यूनी को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो सारे गांव वालों के सामने अपना फैसला सुनाती है कि बेशक लुशान इस गांव से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हाँ मैं अब उससे शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद तो वो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा और इस गांव का हो जाएगा। तब यूनी के फादर यानी ग्रैंड मास्टर ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह से लुशान की जान भी बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस गांव पर चार्जेस लगाती है और जल्द ही वो अपनी आर्मी के साथ इस गांव में आने वाले थे अटैक करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।